श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना 100 साल पूरे हो गए। कमेटी के 100 साल पूरे होने पर अज शताब्दी समागम का प्रबंध किया गया। सो दस दे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कि SGPC की 100 साल स्थापना के हो गए ने। कमेटी के 100 साल पूरे होने पर अज शताब्दी समागम का भी प्रबंध किया गया। श्री अकाल तख्त साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग अज पाए जाएंगे। दस दें कि गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल के अज शताब्दी समागम होगा, जिसको लैके तैयारियां जोड़ियां ने कीतियां गई ने। श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल सने उनकियां शख्सियतां अज इत्थे शिरकत करनगियां। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी उचेचे तौर ते इस विच शामिल होणगे। 10:30 बजे समागम की अज आरंभता होगी। सो दस दिए कि 100 साल स्थापना के पूरे हो रहे ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना 100 साल पूरे होने के चलदियां खास समागम भी रखा गया। कमेटी के 100 साल पूरे होने पर इतने शताब्दी समागम का प्रबंध किया गया। दस दें कि श्री अकाल तख्त साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब के अज भोग भी पाए जाएंगे। गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हॉल के शताब्दी समागम जोड़ा है वह होगा। श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल सने उनकी शख्सियत अज इतने शिरकत करेंगियां। इस तो अलावा श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी उचेचे तौर पर शामिल होंगे। पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। सिखां दी विनी पार्लीमेंट वजों जानी जाती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 वरियां की अज हो गई है। इस संबंध में अज अमृतसर विखे गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल में शताब्दी समागम का प्रबंध किया गया, जिस में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल सने होर उगियां हस्तियां शिरकत करनगियां। दस दी कि इस तो पहला शताब्दी समागम के संबंध में श्री अकाल तख्त साहब से रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहब का भोग भी पाया जाएगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना 100 साल पूरे हो गए, जिसको लैके खास तौर पर समागम का प्रबंध किया गया। कमेटी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समागम अज होगा। गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हॉल में अज शताब्दी समागम रखे गए ने। सिख समाज की उगियां हस्तियां शिरकत करनगियां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना जिसको लैके अज ये शताब्दी समागम इत्थे रखा गया। वड्डे पद्धर दे उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल स्थापना वरा मनाया जा रहा है। 15 नवंबर 1920 श्री अकाल तख्त साहब जी के स्थान के उत्ते उस वेले दे जिहड़े सिंह साहिब जथेदार सन जथेदार तेजा सिंह जी पुचर, उन्होंने समूह पंथ का एक वड्डा इकट्ठ करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया। तो अज 100 वरा जिहड़ा है पूरा हो चुके है। इस सिखां दी एक मानमती शानमती संस्था है। अज चौफेरियों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बहुत सारिया चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। बहुत सारे मसले जिहड़े ने बहुत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सन्मुख दरपेश ने। सिख कौम कोले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिथों सिख पंथ अपनी आवाज़ नूं दुनिया के कोने कोने ते पहुँचा सकता है। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना 100 साल अज पूरे हो गए हैं, जिसको लैके अज शताब्दी समागम रखे गए हैं। तमाम जिहड़ियां हस्तियां ने वो पहुंचनगियां। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी इत्थे अज शामिल होणगे इन्हां समागमां विच। मनिंदर बोंगा तो जानकारी लैंदे आ। मनिंदर, 100 साल स्थापना दे पूरे हो रहे ने, यकीनन बहुत अहम दिन है जिसको लैके शताब्दी समागम भी रखे गए ने। की कुछ माहौल है, की कुछ अज दा प्रोग्राम है? देखो राधा, सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी अते सिखां दे मिनी पार्लीमेंट वजों जानी जाती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लंबे संघर्ष अते अनेकां कुरबानियों तो बाद 15 नवंबर 1920 नूं होंद विच आई सी और गुरुद्वारा एक्ट बन जाने ते 1925 दे विच पक्के तौर ते स्थापित हो गई सी। यह पहली हिंदुस्तान की पहली संस्था सी जिस दी चोणां विच औरतां नूं वोट पाउण दा अधिकार मिलिया सी। और अज जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कार्ज खेत्र दी गल कीती जावे ते 400 दे करीब गुरुद्वारा साहिबान दा प्रबंध देख रही है श्रोमणी कमेटी, और इस दे नाल नाल 100 तो अध विद्यक अदारे, हस्पताल, इस तो अलावा
दुनिया भर में कितने भी कुदरती आफत आने देश के वक् वक् हिस्सों में चाहे तमिलनाडु में सुनामी आई या फिर नेपाल में भूचाल आए या फिर जम्मू कश्मीर या केरला में हड़ आए उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मानवता प्रति अपना फर्ज पूरा करदिया लोड़वंतों की मदद लई पहुंच की गई और हुण भी कोरोना काल के दौरान सब तो पहला लंगर सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन चल रहे 90 के करीब गुरुद्वारा साहबान के पूरे पंजाब दे विच लगातार लंगर सेवा चलाई गई लोड़वंदा तक लंगर पहुँचाया गया और अज इस संस्था 100 साल पूरे हो गए हैं और अज इस मद्देनज़र जो विशेष प्रोग्राम लिखा गया उस बारे जानकारी देने लिए साडे मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर एडवोकेट हरजिंदर सिंह तामी। तामी साहब 100 साल पूरे हो गए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विशेष प्रोग्राम लिखा गया की प्रोग्राम लिखा गया ते कौन कौन जेड़े महापुरुष या राजनीतिक समाजिक हस्तियां इत्थे पहुंच रही हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल जेड़ा शताब्दी समारोह हुशियारपुर इत्थे अमृतसर विखे मनाया जा रहा। सो इत्थे मैं सारी समुची कौम नूं गुरु नानक नाम लेवा माई भाई नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। कामना करदा कि साडे पूर्वियां ने ये सुफना लिया सी उस वेले जात पात छुआ सात बहुत बड़े पद्धर ते सी सचखंड श्री दरबार साहब विखे उन्हां छुआ छात दलित लोगों की जिहड़ी ना देख एक्सैप्ट की जाती सी ना उन्हां नूं उत्थे अंदर वड़न की कोई अपनी आजाज दित्ती जाती सी पर साडे बजुर्गों ने बहुत वड्डी घालना सूझबूझ दे नाले फैसला लैके अज सानू जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल ये शताब्दी समारोह मनाउण दा हिया किया जा रहा। अज 9 बजे श्री अकाल तख्त साहब से श्री अखंड पाठ साहबां दे भोग पाए जाणगे। 10 बजे समाप्ति करके गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे इत्थे साडे अज समागम जिहड़े शुरू होणे आ। पहला इन्हां दे विच कीर्तनी जथे ढाडी जथे कबीचर जथे वह अपना अज संदेश देणगे गुरमत अनुकूल। उन्हां तों बाद 12 बजे ये जिहड़ी आ स्टेज शुरू हो जाऊगी जिहदे विच समुचे तौर पर निहंग सिंह जथेबंदियां दमदमी टकसाल सेवा पंथी महापुरश राड़ा साहब नानकसर वाले होर सारे महापुरश अचेचे तौर पर पहुँच रहे देश दे विचों ते विदेश दे विचों अचेचे तौर पर बहुत सारिया शख्सियतां पहुँच रही यूपी तो उड़ीसा तो महाराष्ट्र तो सिंह सभावां जिहड़ियां उत्थे सारिया पहुँच रही और अज दे इस समागम दे विच अचेचे तौर पर श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सत्कार योग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वह भी अचेचे तौर पर पहुँच रहे समुची कोर कमेटी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दी वह भी पहुँच रही आ और ये जिहड़ा समागम आ 12 बजे तो लैके 2:30 बजे तक निरंतर जिहड़ा आ जारी रहेगा जिथे गुरमत दे सुनेहे दिते जाणगे उत्थे अज तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां जिहड़ियां वड्डियां उपलब्धियां वह वड्डियां उपलब्धियां दे विच बेदा दे खेतर विच बहुत वड्डा योगदान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज पा रही है। इवें ही साडे चैरिटेबल होस्पिटल जिहड़े वो चल रहे आ इस तरह साडे जिहड़े प्रबंध सुचारू 85 दफा 85 ते 87 तहत चल रहे आ ये सारिया बारे अज वख वख बुलारे जिहड़े आ इन्हां दे उत्ते चलना सवाल जिस तरह ऐलान किया गया कि सारा साल चलने वाले समागम की जिहड़ी आरंभता हुण की जा रही है तो की रूपरेखा तय की गई है ता जो पेंडू पद्धर तक संगत नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कुर्बानियां पर इतिहास तो जाणू करवाया जा सके। कल शाम ही साडी मीटिंग होई सी जिहड़ा आउंदा 2020 तो लैके 2021 दा बरा उहदे विच वख वख शताब्दियां भी आ रही जिन्हां विच ननकाणा साहब दे साके दी शताब्दी आ रही आ सतगुर धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दा 400 साला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा। इवें गुरु के बाग दे मोर्चे जैतों दे मोर्चे दी बरसियां वह सारिया अगले पद्धर ते मनाईयां जा रही और मैनू खुशी आ कि उस मीटिंग दे विच रात असीं इह फैसला कीता कि पिंड पद्धर दे उत्ते साडियां जिहड़ियां उपलब्धियां लोकां दे विच आम वख वख गुरद्वारा साहिबानां दे ग्रंथी साहिबान और होर कीर्तनी जथे उन्हां नूं जिथे सांथिया भी दित्ती जाऊगी उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तों उचेचे तौर पर एक सिक्ख्या भी दित्ती जाऊगी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कैंप उन्हां दे लाए जाणगे। इस तों अलावा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी निरंतर 1 साल सारे भारत वर्ष के वख वख जिहड़े स्टेट आ उन्हां दे विच एक बड़े जिहड़े आ कीर्तन दरबार करन दा भी प्रोग्राम जिहड़ा आ उह लिखिया गया आ सारा शहर साल तो राधा सारा साल चलण वाले समागमां दी रमता जिहड़ी हुण होण जा रही है जिस दी रमता अज गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल तो 10 बजे की जानी क्योंकि इस तों पहलां श्री अकाल तख्त साहब विखे परसों तो रंभे गए अखंड पाठ साहब के भोग जिहड़े पाए जाणगे। इत्थे इक मैं खास चीज़ होर दिखाउणी चाहूँगा कि
चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिस दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संघर्ष की पूरी दास्तान जिहड़ी है वह इन चित्रां दे राही बयान की गई है। किन्ना महान पुरशां नूं शहादत देनी पई, कुर्बानियां चलनियां पईयां, जेलां कटनियां पईयां, एक संघर्ष की दास्तान जिहड़ी है इन्हां चित्रां दे द्वारा दर्शाई गई है, ता जो इत्थे आउण वाली संगत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कुर्बानियां भरे इतिहास तो जाणू हो सके। गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल समेत पूरे श्री दरबार साहब समूह नूं, श्री दरबार साहब नूं आंदे रस्तियां नूं बहुत सुंदर तरीके दे नाल सजाया गया, फुल्लां दी सजावट की गई है, थां थां ते स्वागती गेट लगाए गए ने और इतिहास दर्शाने की कोशिश जिहड़ी है वह की गई है, ता जो खास करके नौजवान पीढ़ी श्रोमणी कमेटी के कुर्बानियां पर इतिहास तो भली भांती जानू हो सके। तो गुरुद्वारा मंजी साहब हाल का भी दृश्य असं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहवांगे, जिते अज का मुख समागम जोड़ा है वह किया जाना, जिसकी रमता लगभग 10 बजे के करीब होनी। तो सब तो पहला रागी ढाडी और क्विशरी जत्थे जिहड़े ने वह संगतां नूं गुरु इतिहास तो जाणू करवाणगे, गुरु इतिहास के नाल जोड़नगे। उस तो बाद तकरीरां जिहड़ियां इत्थे पहुँचण वालियां संतां संत महापुरश नेंग सिंह जथेबंदियां दे आगू दमदमी टकसाल होर टकसालां दे आगू नानकसर साहब दे जो मुखी पहुँचणगे, इस तों इलावा राजनीतिक हस्तियां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान समेत समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर इस समागम में शिरकत करनगे। वड्डी गिणती भी संगतां नूं इत्थे आउण दा सद्दा दित्ता गया और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि लखां की गिणती भी संगतां इस समागम में शिरकत करनगियां। तो इस दी असीं लगातार तस्वीरां अपने दर्शकों के नाल इस तरह सांझी करते रहेंगे। फिलहाल 9 बजे श्री अकाल तख्त साहब के अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे और 10 बजे गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे विशेष समागम की आरंभता होगी। बिल्कुल, विशेष समागम की आरंभता होगी, अखंड पाठ साहब के जोड़े भोग पाए जाने ने और तमाम शख्सियतों ने अज इतने पहुँचना, क्योंकि बहुत अहम दिन है। किसी भी जथेबंधक पार्टी होवे या कोई भी ढांचा होवे उसके 100 साल स्थापना के पूरे होना अपने आप से एक अहम गल है और किस तरह के नाल संगतां भी इतने नाल जुड़ रही ने, जो तस्वीर राही भी अपने दर्शकों तक पहुँचा सकी। बिल्कुल राधा, तुसीं देख सकते हो संगतां दी आमद शुरू हो चुकी है, अज सवेर तो नहीं बल्कि बीती रात तो ही वड्डी गिणती विच संगतां दे इत्थे ठहरन दा इंतजाम किया गया, जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध अधीन श्री दरबार साहब दीआं सारीआं सरावां दे लगभग 800 के करीब कमरे ने। उस तो इलावा श्रोमणी कमेटी के प्रबंध अधीन चल रहे अमृतसर के स्कूलों में भी संगतां दे ठहरन दा इंतजाम किया गया सी और संगतां इत्थे बीते कल तो पहुँचनियाँ शुरू हो चुकियां सी और खास तौर पर इस समागम के मद्देनज़र सुरक्षा के बेमिसाल प्रबंध किए गए ने। श्री दरबार साहब नूं आंदे सारे रस्तियां ते पंजाब पुलिस वल्लों वड्डे पद्धर ते तैनाती की गई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जो दफ्तर है उत्थों लैके मंजी साहब दीवान हाल और सराह गेट, उस तों इलावा श्री दरबार साहब के चुगिरदे च भी जिहड़ी पुलिस है वह तैनात की गई है, ता जो किसी भी तरह के कोई शरारती अंसर अपने गड़बड़ फैलाउण दे मनसूबे विच कामयाब ना हो सकन। असीं वह तस्वीरां भी अपने दर्शकों नाल सांझी करांगे कि किसी वड्डे पद्धर ते अज पुलिस की तैनाती की गई है, पूरी सख्त नज़र जिहड़ी है हर आन जाण वाले ते रखी जा रही है और आमद की जे गल की जाए राधा ते लगातार संगत की आमद इत्थे हो रही है और अंदाजा के लखां की गिणती संगतां जिस वड्डे समागम के विशाल विशेष समागम में शिरकत करन दे लई बड़े उत्साह दे नाल इत्थे पहुँच रही ने और पहुँचणगियां। और खास गल कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत समुची अकाली लीडरशिप सारी जो कोर कमेटी है श्रोमणी अकाली दल की और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबरान इस समागम के शिरकत करेंगे, सिंह साहबान विशेष शोभा जिहड़ी है इस समागम की विधानगी तो सजावट की गई है, जिस तरह मैं पहला गल कर रहा कि सारे रस्तियां इस तरह के नाल जो स्वागती गेट ला के बड़े सुंदर तरीके दे नाल सजावट की गई है, जिथे गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल नूं फुल्लां दे नाल सजाया गया उत्थे श्री दरबार साहब नूं आंदे सारे रस्तियां ते इस तरह की सजावट करके संगतां दा जिहड़ा स्वागत है वह किया जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्थापना दिवस की खुशी सांझी की जा रही है, तो असीं आम संगत नाल भी गलबात करन की कोशिश करांगे जो उचेचे तौर पर इत्थे इन्हां समागमां दे विच शिरकत करन लई इत्थे पहुंचे ने और इस विशेष समागम का हिस्सा बनन दे लई इत्थे पहुंचे ने। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਕੇ ਆਏ ਜੀ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣ ਖਤਰਾ ਆਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ।
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਿੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹਿਰਾਲ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।